एंड ओबियसली ईडियम्स बहुत मुश्किल भरे होते हैं एंड स्टूडेंट्स ऑबवियसली फेस डिफिकल्टी इन लर्निंग रिमैम्बरिंग एंड प्रिपेयरिंग ईडियम सो हियर विल भी शेयरिंग सम इम्पॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स एंड द मेमरी ट्रिप विल भी विजुअलाइजेशन ऑब्वियसली सो आई बिलीव दैट दिस मैथड ऑफ लर्निंग ईडियम विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस इन योर लर्निंग सो लेट्स हैव अ लुक वॉट द फर्स्ट ईडियम इज़ एंड हाउ वी शुड लर्न इट and here we have the first idiom and you can see it on the screen it says that be glad to see the back off what do you mean by this if you will visualize and you will input your uh, visualization power into the image provided here then you can see that atithi tum kab jaoge because it means it shows that we are tired of

Be happy when a person leaves or when an unpleasant situation leaves you and goes apart from you. Suppose uh, there happened some unpleasant event nearby and you were not very happy and sometimes situation improves. And now you see that the situation is improving and you feel glad

To be honest, I was glad to see the back of him when he finally left. So obviously, you can see that when you see somebody leaving or an unpleasant activity, event, or situation leaves you, goes apart from you, and if you feel glad, you feel relaxed. That is the phrase idiom is to be glad to see the back of something. So this hamara our first idiom. वेरी क्लियर कि बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इफ वी इफ यू फोकस ऑन द विजुअलाइजेशन सो प्रोबेवली अगली क्लास में अगर आप कभी कोई क्वेश्चन को लेकर आएं और आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो प्लीज विजुअलाइज जरूर करिएगा सो लेट्स दी द नेक्स्ट ईडियम एंड वॉट इट इज हियर यू कैन सी द नेक्स्ट ईडियम सेट द ड्रॉप ऑफ अ हैट ऐट द ड्रॉप ऑफ अ हैट सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ लर्निंग स्किल हाउ टू बी स्किल्ड इन ई डी एम्स तो मेरा मानना यहाँ पर यह है कि रुकी ई टी एम को बहुत ही ध्यान से पेशेंस से आ, कहीं ना कहीं उसको समझने की कोशिश करिए इफ़ यू विल इन्वोल्व योर सेल्फ इन टू द ईडीएम प्रोबेबली आपके लिए ई डी एम बहुत आसान हो जाएगा एंड हीयर अगेन इट्स इज ऐट द ड्रॉप ऑफ अ हैट अगर आप यहाँ पर देखें ऐट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब है जब आप हैट की बात करते हैं तो हियर आप देख सकते हैं हैंट समहाउ एसोसिएटेड टू द हैट ड्रॉप हैट दैट मीन्स आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे आप कोई ऐसा चीज कर रहे हो जिसमें चीजें इतनी क्विक है कि आप सोच भी नहीं रहे करने से पहले सो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट रेफर्स अस टू द मीनिंग विच सेज इफ यू डू समथिंग at the drop of a hat basically it means that you do it immediately without stopping to think about it so when you do something at the drop of a hat it means that you do it immediately without stopping to think about it and without hesitation or good reason you don't have to analyze anything you just did it that is how it says a drop of a hat an example sentence is I hate to speak in public but she will get up on stage at the drop of a hat that means without hesitation without thinking anything she was very friendly with the public figure because when it comes to speak something on the stage she was friendly she was uh, not nervous and she just uh, didn't even think for a moment she came and spoke to the mass. ड्रॉप ऑफ आई बिलीव दिए यह ईडियम बहुत आसान हो जाएगा अब अग, अगर आप इसमें भी इसी तरीके से विजुअलाइजेशन को इन्वॉल्व करें सो लेट एस सी द नेक्स्ट ईडियम एंड आई बिलीव ये अब आसान है आप एक बार कोशिश करके देखिए सो लेट एस द नेक्स्ट ईडियम हियर ऑन द स्क्रीन इट सीज इन दीथ ऑफ इन दीथ ऑफ इफ यूल इमेजिन आप देख सकते मैंने इसमें कोई इमेज uh, पिक्चर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है

आप वहीं पर बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट बन जाते हो सो हियर इन द ईडियम दैट सीज इन द टीथ ऑफ समथिंग बेसिकली इन द टीथ मीन्स किसी के दांतों के सामने कोई काम करना इट सेज इंस्पाइट ऑफ और इन द फेस ऑफ फॉर एग्जाम्पल पहले इसको एग्जाम्पल सेंटेंस से इमेजिन करेंगे विजुअलाइज करेंगे लर्न अबाउट इट इट सेज समीपल स्टिल बिलीव वैक्सीनेशन टू बी हार्मुल इन द टीथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिफिक स्टडीज प्रूविंग अदरवाइज वॉट इट मीन्स इट मीन्स इन द वर्ल्ड इट हैज बीन प्रूवन Everything by the scientists, by the doctors, in front of them, in front of the tooth, in front of the uh, teeth of the doctor. आई मीन द जो भी वहाँ वैज्ञानिक या डॉक्टर्स बैठे उनके सामने उनकी इतनी मेहनत के सामने इतने सच जो उन्होंने देखे उन सबके सामने लोग मानने से इनकार कर देते हैं तो इन द टीथ ऑफ समन का मतलब है कि आप किसी के सामने उस चीज़ को डिनाय या अनएक्सेप्ट कर रहे हो एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली इन द टीथ ऑफ ई डी स्टैंड फॉर एंड इफ़ यू विल टेक द अनदर एग्जाम्पल इट्ज इन द टीथ ऑफ द बॉस डिसअप्रूवल बिकॉज बॉस वॉज नॉट रेडी इन द टीथ ऑफ द बॉस अप्रूवल विद डिसाइडेड टू गो फॉर्वर्ड विद द प्रोजेक्ट एनी वे वेदर द बॉस इज एग्री और नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम विद डिसाइडेड टू गो विद द प्रोजेक्ट ये है इस एरियम का मतलब तो ना यू कैन इमेजिन जैसे कभी कभी आपके घर में पेरेंट्स कुछ काम को मना करते बट यू स्टिल डू इट इन द टीथ ऑफ योर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ दम And this is how basically the idiom stands for. It's time to move forward towards the next idiom, and here we have the next idiom for you. I believe that it says best of both worlds. So, what do you mean by best of both worlds? As the name suggests, it's very uh, relevant to you, I believe. It says that best of the both worlds. Ka matlab hai Beki agar aapke paas koi eight portion. Hai, इट्स ओके इट्स गुड और दूसरा वाला मिल जाए इट्स अगेन गुड सो आपको दोनों ही तरफ अगर कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रहा है दैट इज़ बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड बेसिकली इट मीन्स अ सिचुएशन इन विच यू कैन इन्जॉय द एडवाटेज ऑफ टू वेरी थिंग्स एट द सेम टाइम वैन यू हैव एडवांटेज ऑफ इंजॉइंग और Suppose if you are enjoying two things at a time, you are benefited with two things at a time. This is uh, best of both worlds. And uh, if you will go and change your perspective. Change your area of discussion. You will say that the most ideal or desirable attributes of two things or situation or circumstances. तो अगर आप ऐसा कोई आइडियल केस और सिचुएशन प्रिपेयर करते हो जहाँ पर किसी दो चीज का इक्वल बेनिफिट आप तक पहुँच पाए अगेन वी वी यूज द सेम मीडियम एंड इन द एग्जांपल दिस कैन इजीली बी अंडरस्टैंड एज इट फ्रॉम हाउस एंड गेट्स अ हैंडसम अमाउंट सो सी she has two benefits she has uh, not to go anywhere and she leaves at home she stays at home and she receives in return a handsome amount i believe she enjoys best of the both वर्ल्ड सो शी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स दोनों ही तरीकों से उन्हें बेनिफिट होती ना तो ऑफिस जाने का झंझट और अमाउंट भी बहुत हैंडसम तो आप देख सकते हैं विजुअलाइजेशन कैन एड टू द एक्यूरेसी एड टू द कॉन्फिडेंस यू हैव फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड इट इज टाइम टू मूव ऑन एंड लेट्स स्विच आर प्रोस्पेक्टिव एंड अब बारी है अगले ई डी एम की लेट्स वॉट इज़ नेक्स्ट एंड हीयर यू कैन सी द नेक्स्ट ई डी एम इज़ ऑल इन ऑल इन ऑल इन एक बहुत ही मुझे लगता है वेल नोन ईडियम है ऑल इन इफ यू थिंक ऑफ ऑल इन इट मीन्स यू हैव इन्वोल्व्ड योर इंटायर एनर्जी इन समथिंग बेसिकली ऑल इन का इस्तेमाल हम uh, कहीं ना कहीं जब अब आप कसिनो हो जाते हो तो वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज यू पुट ऑल इन देर इट इज अमाउंट बट इन ह्यूमन एक्सपीरियंस इट इज एनर्जी It is uh, your excitement, it is your uh, strength. If you, if you involve or invest all of your energy, all of your power, all of your strength into any task. In one task, you have sari energy your that makes all in. And after that, you will become exhausted, you exhausted. हो जाएंगे आप थक जाएंगे आपको लगेगा कि ना आई कैन डू एनी थिंग बिकॉज आई एम ऑल इन मैंने अपना काम कर दिया बहुत एनर्जी वेस्ट कर दी सो इट स्टैंड्स फॉर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बिकॉज आपने पूरी ताकत एक ही चीज़ में लगा दी दैट मीन्स फैट दैट मीन्स वन आउट एग्जाम्पल कैन बी आई वॉज ऑल इन आफ्टर ओनली द फर्स्ट माइल ऑफ द रेस क्योंकि मैंने पहली माइल में ही बहुत ज़्यादा uh, एनर्जी इन्वोल्व कर दी थी और नाव आई एम ऑल इन मतलब आई एम एग्जॉस्टेड आई कुड बेयरली इवन वॉक फॉर द रेस्ट ऑफ इट सो आप इस तरीके से जा सकते हैं एंड द सेकेंड प्रस्पेक्टिव ऑफ ऑल इन कैन बी अंडरस्टूड एज फुली कमिटेड टू अ टास्क और इन डेव गिंग और प्रिपेयर टू गिव ऑल वंस एनर्जी और रिसोर्स टूवर्ड समथिंग एंड सिमिलरली वी कैन हैव Again, the third usage, as I told you in batting all one money in a card game such as poker, where you put all or all of your money into the game. An example sentence can easily be seen as once I got my best hand off the night, I went all in. That is how you can use these idioms. I believe idiom Abku Samjaya Huga and it is time to say that all in means all in so here we will move on towards the next idiom and here it is and it says horse around what do you mean by horse around i guess the meaning of the idiom horse around stands for to engage aimless reactions and if you have fool around you again you will be uh, a batter with saying

पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज़ किया है बट स्टिल इट इज़ अ यूज और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज यू हैव फूल अराउंड वॉट यू आर डूइंग द ड्यूज आर टमोरो प्लीज गो एंड रिपोर्ट ऑलरेडी तो आप इस तरीके से इस ईडियम को यूज़ करेंगे अपने स्टेटमेंट में आई बिलीव इट इज टाइम टू मूव ऑन टुवर्स द नेक्स्ट ईडियम एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट ईडियम ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन सी दिस इज एग्जामिनर्स फेवरेट ईडियम्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये एडियम्स एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ द एडियम लेट इज डिफाइन प्रैक्टिकल लर्निंग कैन मेक इट सो इजियर आप देखो द पोजिशन ऑफ द मैन हियर इज़ एट सी एंड ईडियम इज अगेन एट सी सो वॉट डू मीन बाई ऑल एट सी ऑल एट सी मीन्स यू आर कम्प्लीटली एट सी वॉट यू हैव राइट साइड ऑफ योर सिचुएशन और पोजिशन आई बिलीव सी वॉट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू आई बिलीव सी वॉट इज लेफ्ट वॉट इज हियर आपको हर तरफ क्या दिखाई दे रहा होगा आई बिलीव वॉटर वॉटर एवरी नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक इज द पोएम दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द सिचुएशन एंड इफ यू विल टेक दैट प्रोस्पेक्टिव इन टू लर्निंग तो आप देखोगे इफ यू आर एट सी यू विल फाइंड इट टू फाइंड द वे आखिर जाऊँ कहाँ किधर जाऊँ बिकॉज हर तरफ मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट डायरेक्शन दैट मीन्स आई फील आई एम लॉस्ट आई फील दैट आई एम स्ट सम मुझे लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ आई एम पजल्ड इन समथिंग मैं फंस चुका हूँ मैं रुक चुका हूँ आई डोंट नो वॉट टू डू आई डोंट नो वेयर टू गो and this will be the meaning of the idiom and if you will take out that experience i believe idiom learning will make a bit difference in your life and now the meaning can be puzzled perplexed completely confused about a subject or a task at hand because you don't know what to do and here we do this

So, I believe idiom learning can be easier with the visualization, now you have to this and it is time to uh, proceed further, it is time to go further and we will see the next idiom on the screen and here it is. It says that every cloud has silver lining, what do you mean by this? Silver lining and cloud. If you will try to make a visualization out of it, you will understand that clouds are nothing but the very obstacles. The clouds are nothing but the obstacles. What they are doing, they are uh, somehow obstructing something. Even if you will take the uh, silver lining, that Comes due to sun being the symbol of positivity, you can see that okay, that means we have a positivity and the cloud is doing what? It is uh, obstructing that positivity. So we will take cloud as negative, cloud as uh, night, negative, anything. So now observe it means or it can refer to the idea that every problem, every obstruction has a light, has a positivity behind it and probably this is how we can inter interpret the meaning of the idiom it says every negative situation has a potential to result in or produce something very positive or beneficial and here silver lining on the cloud is indication that sun is behind it आई गेस आपके लिए इस समय इस तरीके से अगर आप विजुअलाइज करें तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी एंड द एग्जाम्पल सेंटेंस यू कैन सी एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल सेंटेंस द वेरी ईडीएम विच सेज आई नो यू आर अपसेट अबाउट नॉट गेटिंग द सिलेक्शन इन द बैंक एग्जाम बट जस्ट कीप इन माइंड दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ अल्वर लाइनिंग दैट मीन्स एवरी निगेटिव सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिविटी बिहाइंड इट And this is how you can solve and understand and remember for long. Guys, I really here believe that you all are getting my words, are getting my point, and you find it very easier to learn these idioms. If yes, don't forget to comment your feedback in the comment box below. And uh, obviously, it is time to go and move forward towards the next idiom, which is lost, which means cost and arms. And a leg. What do you mean by cost and arm and a leg? Probably, if you will take visualization of arm and leg, I guess these are the two things that are really very important and worth and costly for us because with the help of arm and leg, we do our work. So, if something cost our leg and arm, that means it needs, it requires our uh, a high amount of effort, a high amount of effort. So, it means to cost a lot of money because with the use of arm and leg, you do it. This is how. And uh, if you will see the example sentence, it says college tuitions cost an arm and leg nowadays. आई एम सेक ऑफ पेइंग रेंट ऑफ दिस टाउन बिकॉज इट कॉल्स आम एन अ लैग एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली यू डू तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि आखिर हमें इन चीज़ों को कैसे करना होगा सो प्रोबेबली दिस इज़ हाउ बेसिकली वी डू एंड अगर आप यहाँ पर अपने इन सभी ईडियम्स को ऑब्जर्व करें और फाइंड आउट करें तो आप ये ये समझ पाएंगे दैट की edm learning can be very easier with the help of i guess pictures associations if you will involve imagination visualization story building connectivity so these are the very things that can be make your way easier so guys i believe that it is very fine learning and you must be uh, uh, remembered all the word here and i would say only one thing keep please keep practicing practice makes a man perfect so here i am nathan mishra and this is testbook.com and i will see you in the next class have a fantastic academic journey do well in the examination jai hind guys